हेलो फ्रेंड्स, वेलकम, स्वागत है आपका अपने इस चैनल इग्नो गाइडेंस में। मैं आरती। आज का वीडियो जो है ना वो BHRC 133 का है और ब्लॉक इसमें हम 3 लेते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। हालांकि इंपॉर्टेंट सभी ब्लॉक है और सभी से एक दो क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, है ना। तो ये क्योंकि अर्थव्यवस्था और समाज है और इसमें हम पढ़ेंगे क्या, ठीक है ना, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए, भू राजस्व यूनिट 10 है। भू राजस्व वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें दिल्ली सुल्तानों के अधीन भू राजस्व और उनकी वसूली थी, और जिसमें एक आपका बनता है अलाउद्दीन खलजी की खलजी का बाजार नियंत्रण। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना। और मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था भी जो थी वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो चलिए फिर देख लेते हैं इसको, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट, हालांकि पूरी यूनिट आपकी है लेकिन फिर भी चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं। प्रस्तावना को हम छोड़ देते हैं, मेन मेन चीजों को ले लेते हैं। देखिए, ये था मुगलों के अधीन भू राजस्व व्यवस्था की मूल विशेषता क्या थी, यदि क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। किसका? मुगलों के अधीन, सॉरी सॉरी, मुगलों के अधीन भू राजस्व व्यवस्था, तो आएगा कि मुगलों की भू राजस्व व्यवस्था की विशेषता लिखिए। तो पहली विशेषता आपकी यहाँ से शुरू होगी, कृषकों से उनका अधिशेष उत्पादन यानी जीवन यापन के लिए जरूरी मात्रा के अतिरिक्त उत्पादन भू राजस्व के रूप में ले लिया जाता था। मतलब कृषकों से उनका सिर्फ खाने के लिए सिर्फ उनको दिया जाता था उत्पादन, यानी जो भी उगाते थे उसके अलावा जो भी बचता था वो भू राजस्व के रूप में यानी एक कर के रूप में ले लिया जाता था। ये विशेषता थी उस समय की, ठीक है ना। फिर जो कि उनके राज्य, दूसरा जो राज्य की आय का प्रधान स्रोत था, दूसरा यहाँ पे आप इसको दे दीजिएगा, इसको दूसरा लिख दीजिएगा कि भू राजस्व जो था वो राज्य की आय का प्रधान स्रोत था। तो दो विशेषताएं यहाँ पे हो गई। ओके, ठीक है। ये जो भू राजस्व व्यवस्था चली वो ब्रिटिश प्रशासक के समय से चली, अंग्रेजों के टाइम में चली। क्यों? क्योंकि उनका ये मानना था कि जो राजा होता है वो भूमि का मालिक होता था, तो लगान के रूप में लेते थे, जमीन के लगान के रूप में अनाज लिया करते थे, ठीक है। और मुगल कालीन इतिहास के अध्ययन से पता चलता है कि उस काल में यह कर फसल यानी उत्पादन पर लगता था, तो वो भूमि का मालिक होने से लगान लेते थे भूमि का, और मुगल काल में फसल पर कर लगाया जाता था। और इस प्रकार मुगल व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई भू राजस्व प्रणाली से भिन्न थी, ठीक है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई भू राजस्व प्रणाली से मुगल कालीन व्यवस्था कैसे अलग थी, तो यहाँ पे आपको यही करना पड़ेगा, यही लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि ये जो भू राजस्व व्यवस्था थी वो अंग्रेजों के टाइम से चली आ रही थी, ब्रिटिश शासकों के समय से चली आ रही थी, और वो भू राजस्व को जमीन के लगान के रूप में ग्रहण करते थे, लेते थे, और उनकी समझ, क्योंकि वो मानते थे कि राजा जो है वो भूमि का मालिक होता था। लेकिन मुगल काल में ऐसा नहीं था, मुगल काल में जो कर लगाया जाता था वो फसल पर यानी उत्पादन पर, जो भी चीज बोई जाती थी उस पर लगता था। तो इस प्रकार मुगल व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई भू राजस्व प्रणाली से भिन्न थी, ठीक है ना। और आईने अकबरी में राज द्वारा करारोपण को न्यायोचित ठहराते हुए कहता है कि राज द्वारा दिए जाने वाले संरक्षण और न्याय व्यवस्था के बदले लिए जाने वाला संप्रभुता शुल्क है, यानी कि राज जो है लोगों को स्वतंत्रता देता है, सुरक्षा देता है, ठीक है ना, और कानून न्याय व्यवस्था स्थापित करता है, कानून उनके लिए बनाता है, उनके साथ जो गलत है जो सही है उसकी फर्क पहचान करता है, तो उसके बदले में ये शुल्क लिया जाता है, ठीक है ना। ये किसने कहा था? आईने अकबरी में अबुल फजल ने कहा था, राइट। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा। ओके, अब यहाँ से स्टार्टिंग शुरू हो गई। खालिसा, खालिसा क्या कहलाता है ये देख लेते हैं। कभी कभी खालिसा से टिप्पणी भी आती है, और कभी कभी, क्योंकि ये मुगलों के अधीन, मुगलों के टाइम में था, तो कभी कभी मुगल और खालसा के बीच में संबंध पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है। तो वह क्षेत्र जिसका राजस्व सीधे सुल्तान के निजी कोष के लिए वसूल किया जाता था खालिसा कहलाता था। मतलब राजस्व, ठीक है ना, जिस क्षेत्र से सीधे सुल्तान के निजी कोष के लिए वसूला जाता था, यानी सीधे सुल्तान के निजी कोष में जिस क्षेत्र से राजस्व वसूल करके डाला जाता था वह खालसा कहलाता था। और अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में खालसा क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई थी, परंतु खालसा पूरे राज्य में फैले हुए क्षेत्र नहीं थे, ठीक है ना। और दिल्ली और इससे जुड़े हुए जिले तथा दोआब के भाग खालसा के अंतर्गत आते थे। दिल्ली और इससे जुड़े हुए क्षेत्र जो दोआब कहलाता था, ठीक है ना। ओके, अलाउद्दीन खिलजी के अधीन संपूर्ण मध्य दोआब और रुहेलखंड के
कुछ भाग खालसा के अंतर्गत आए थे, परंतु संभवतः फिरोज तुगलक के समय खालसा के क्षेत्रफल में कमी आ गई थी। ठीक है, तो मुगलों के अधीन खालसा ए शरीफा स्थिर नहीं थी, बल्कि समय समय पर बदलती रहती थी। तो अकबर के काल में कुल जमा का लगभग 25% लिया करते थे, जहांगीर के काल में ये घट करके कुल जमा का 1/20% हो गया, यानी 20वां प्रतिशत हो गई। और जहां काल के काल में जमा का 1/7 हिस्सा थी, वही औरंगजेब के काल में कुल जमा का 1/5 हिस्सा हो गई। लेकिन फिर भी साम्राज्य के कुल राजस्व का लगभग 4/5 भाग जमीन जागीरों के रूप में आवंटित किया जाता था। तो ये खालसा हो गया एक नजर। दिल्ली सुल्तानों के अधीन भू राजस्व और उनकी वसूली देख लेते हैं। ठीक है, देखना तो हमें सभी पड़ेगा, कोई क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, तो एक नॉलेज में आपके रहे। ठीक है ना, कि दिल्ली सुल्तान या मुगल जो शासक होते थे उनके अधीन भू राजस्व उनकी वसूली किस तरह से होती थी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, दिल्ली सुल्तानों के अधीन भू राजस्व और उसकी वसूली देख लेते हैं। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका है। दिल्ली सुल्तान के अधीन भू राजस्व यदि आता है, मुगल शासक के अधीन भू राजस्व यदि आता है, तो आपको यही लिखना है। ठीक है ना, कुछ नहीं सोचिएगा। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, है ना, कि भारत के नए शासक इस्लामी भूमिकर खरा से भली भांत परिचित थे। तो इस्लामी शासक का मतलब यदि किसी से संबंधित आता है, मान लीजिए दिल्ली से तो आ ही रहा है, मुगल से आता है, तो ये लिखना, मान लीजिए अकबर शाहजहां जहांगीर इनसे आता है और आपको नहीं पता है उनका। ठीक है ना, क्योंकि दिल्ली सल्तनत है तो सीधी सी बात है सभी का इसमें मिक्सअप सा होगा, तो आपको यही लिख देना है। तो देख लेते हैं कि 13वीं शताब्दी के दौरान खराज ने लगभग भेंट का रूप ले लिया था। एक खराज जो होता था भूमिकर होता था, ठीक है ना, और ये जो खराज था वो एक तोहफे का भेंट का रूप ले लिया था, और एक इसका भुगतान एक मुश्त में सल्तनत पूर्व शासकों के अधिपतियों द्वारा किया जाता था। तो इसको किस तरह से दिया जाता था, एक मुश्त में दे दिया जाता था, एक बार दे दिया जाता था। ठीक है ना, और जिनके साथ सल्तनत शासक वर्ग ने एक समझौता कर लिया था, जो सल्तनत शासक हैं जो दिल्ली पे शासन करते थे, दिल्ली के जो शासक है उन्होंने एक समझौता कर लिया था, और दूसरी ओर सल्तनत की आज्ञा ना मानने वाले क्षेत्रों यानी मवास, क्षेत्रों को क्या बोलते थे, मवास बोलते थे। तो जो दिल्ली सल्तनत की आज्ञा नहीं मानते थे, शासकों की आज्ञा नहीं मानते थे, जहां ऐसे समझौते संभव नहीं थे, में लूट मार लड़ाई द्वारा वसूली की जाती थी। तो वहां पे क्या क्या होता था, लूट मार लड़ाई की जाती थी। अतः वसूली संभवतः मुक्ता मवेशियों और दासों के रूप में की जाती थी। ठीक है ना, तो जो वसूली होती थी वो उस वसूली में लेते क्या थे, तो मवेशियों और दास यानी लोगों को दिया करते थे। ठीक है, काम करने के एवज से। तो दिल्ली सल्तनत के स्रोत में ऐसे कोई संकेत नहीं देते हैं कि अलाउद्दीन खलजी के शासन से पूर्व खराज के निर्धारण और उसकी वसूली को व्यवस्थित करने का कोई गंभीर प्रयास किया गया हो। तो देख लेते हैं अलाउद्दीन शासक की कृषि नीति। ठीक है ना, अलाउद्दीन खलजी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, एक नजर देखेंगे कृषि में। कृषि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि इसमें क्वेश्चन मैंने शुरू में बताया था आपके लिए। बाजार नियंत्रण वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सिक्के बहुत सारे चलाए थे, बाजार को नियंत्रित किया था, अर्थव्यवस्था को नियंत्रित किया था। ठीक है, तो देखिए अलाउद्दीन खलजी का प्रयास था, ओके, अलाउद्दीन खलजी का प्रयास था कि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ाकर आमदनी बढ़ाना है। मतलब अलाउद्दीन चाहता था कि राज्य की ओर से जो भूमकर लिया जाता था उसको बढ़ा दिया जाए। ठीक है, और जब वो भूमकर बढ़ेगा तो सीधी सी बात है कि राज्य की आय में आमदनी होगी, यानी कि ज्यादा बढ़ेगी, इजाफा होगा। तो सीधी वसूली करके बिचौलियों को मिलने वाले मुनाफे को समाप्त किया जाए, और जो सीधी वसूली की जाती थी लोगों से मिलकर के, उसको यहाँ पे समाप्त करने का फैसला किया गया। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं कि राज की मांग अनाज के रूप में निर्धारित की जाती थी। राज जो है वो अनाज मांगता था, फसल मांगता था। ठीक है ना, परंतु वसूली साधारणतः नगद में होती थी। ठीक है, और जो वसूली की जाती थी, जो मांग की कर लिया जाता था, सॉरी, वो पैसे के रूप में लिया जाता था। तो बर्नी ने जो लिखा था लेखक उस समय का, उन्होंने बताया कि राजस्व संग्रहकर्ताओं को राजस्व की वसूली इतनी लड़ाई से करने के आदेश दिए जाते थे कि जिससे वो किसान अपनी उपज को खेतों में ही बेचने को विवश हो जाए। यानी वसूली भी होती थी कि जैसे ही खेत में फसल पक रही है कि तुरंत वो वसूली करने आ जाते थे। तो किसान को मजबूर होके खेत में वो बेचने के लिए मजबूर हो जाना पड़ता था। ठीक है ना, बर्नी ने यह भी बताया कि अलाउद्दीन खलजी ने दोआब क्षेत्र को खालसा में शामिल कर वहां से प्राप्त सैनिकों को नगद वेतन देने में खर्च किया। ठीक है ना, तो ये अलाउद्दीन खलजी की कृषि नीति थी। इतना ही नहीं, यहाँ पे एक दूसरे लेखक है जो विरोधाभास मिलता है, बर्नी के अगेंस्ट उन्होंने बताया, बर्नी से जस्ट अलग बताया
कि सुल्तान ने किसानों को नगद के स्थान पर अनाज के रूप में कर अदा करने का आदेश दिया। अब यहाँ पे एक दूसरा लेखक कह रहा है कि सुल्तान ने बल्कि नगद नहीं लिया, पैसे नहीं लिए, बल्कि अनाज ही लिया। तो इरफान हबीब के अनुसार इसका संबंध दोआब में खालसा के केवल कुछ भागों से रहा होगा, और सुल्तान को अपने भंडारों के लिए वहां से आपूर्ति की आवश्यकता थी, अन्यथा वसूली सामान्य तौर पर नगद में होती थी। तो अपने भंडार को, भंडार का मतलब अपने जो जहाँ पे फसल वगैरह रखी जाती थी उनको बढ़ाना हुआ करता था, ठीक है ना। वहाँ पे फसलें होना, गेहूं चावल जो भी उस वक्त की फसलें हुआ करती थी, ज्वार बाजरा, उनसे भरना होता था। तो इसलिए अपने भंडार को भरने के लिए ऐसा करते थे, वरना वसूली जो है वो एक तरह से कर के रूप में की जाती थी, नकदी में होती थी, पैसे लेते थे। तो यदि दोआब में खालसा का आएगा तब भी आपको यही चीज लिखनी होगी, ठीक है ना, राइट। चलिए अब यहाँ पर देख लेते, कृषि हो गई। अब मोहम्मद तुगलक की कृषि नीति, मोहम्मद तुगलक की कृषि नीति क्या है इसे देखें क्या, इसे हम रहने देते, मोहम्मद तुगलक की नहीं देखते हैं, थोड़ा सा देख लेंगे। क्यों देख लेंगे, वो इसलिए देख लेंगे, आप कहेंगे मैम ने अभी कहा नहीं देखेंगे, तो इसलिए देखना पड़ रहा है कि यहाँ पे लिखा है कि मोहम्मद तुगलक वह पहला सुल्तान था जिसने इन समस्याओं से जूझते हुए कृषि को बढ़ाने हैं तो कृषि नीति को निरूपित करने का प्रयास किया, और उसने जुताई योग्य भूमि के विस्तार तथा सिंचाई के लिए कुएं खोदने जैसे कार्यों हेतु सोंधर नामक कृषि ऋण प्रारंभ किया। और बर्नी के अनुसार सोंधर के तहत वितरित किए गए, परंतु किसानों को शायद इसका कोई अंश मिला होगा, यानी कि एक तरह से पैसे बांटे गए उस वक्त किसानों को, किसी के किसके लिए, कृषि के लिए, खेती के लिए, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं कि मोहम्मद तुगलक की कृषि नीति क्या हो सकती है, ठीक है ना। ओके, तो मोहम्मद तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी की भूमि की माप पर आधारित राजस्व संग्रह प्रणाली को गुजरात, मालवा, दक्कन, दक्षिण भारत और बंगाल में लागू किया, ठीक है ना। और बाद में उसने कृषि कर की दर में विशेष वृद्धि कर दी, यानी कृषि का जो कर होता था, जो पैसे लिए जाते थे, उसको उसने बढ़ा दिया। तो यहाँ पे बर्नी कह रहा है कि ये वृद्धि 10 या 20 गुना अधिक थी, यानी बहुत ही ज्यादा थी, जो कि थोड़ा सा आश्चर्य में लग रहा है कि इसे 10 या 20 गुना पैसे कैसे लिया जा सकता है। परंतु इससे स्पष्ट होता है कि वृद्धि बहुत बड़ी मात्रा में की गई थी, और बर्नी के कहना के अतिरिक्त नए कर यानी अबवाब भी लगाए गए, अबवाब हाँ यानी नए कर कहे जाते हैं उसको, दूसरे करों यानी खराज, चराई और गृह कर को भी सख्ती से वसूला जाने लगा। और यहाँ पे याहया के अनुसार मवेशियों को दागा गया और घरों की गिनती की गई। तो याया वाया मत लिखिएगा, जो आपसे एक सिंपली लैंग्वेज में जो लिखा जाता है, ठीक है ना, कि किस तरह से कर यहाँ वसूल किए गए, 10 से 20 गुना अधिक कर में वृद्धि कर दी गई, पर ऐसा लगता नहीं कि कर में वृद्धि की गई होगी, ठीक है ना। कर में वृद्धि बहुत बड़ी मात्रा में की गई थी, ठीक है। और दूसरे करों, चराई और गृह कर को भी यहाँ पे सख्ती से लागू किया गया, और मवेशियों को दागा गया, घरों की गिनती की गई जिससे कोई कर से मुक्त ना हो सके, ठीक है ना, इस तरह से लिखना है। लेकिन इन उपायों से अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि खराज के आकलन हेतु वफा ए फरमानी यानी राज्य द्वारा निर्धारित पैदावार और निरख ए फरमानी यानी राज्य द्वारा घोषित मूल्य को आधार बनाया गया, ठीक है ना। तो इससे स्पष्ट अर्थ निकलता, मतलब इससे अर्थ क्या निकलता है कि राजस्व की गणना करते वक्त उपज और मूल्यों के जिन आंकड़ों का उपयोग किया गया वे वास्तविक नहीं थे, ठीक है ना। तो उस वक्त जो उपज होती थी और उसमें से जो कर लगाया जाता था उसकी भी, उसका भी हिसाब रखा जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे एक निष्कर्ष निकल के आता है कि उपज और मूल्यों का सरकारी निरीक्षण निश्चय बढ़ा दिया गया था सॉरी, लेकिन वास्तविक उपज के बजाय बढ़ी हुई उपज का प्रयोग और बाजार में चल रहे मूल्यों से कहीं अधिक मूल्य के उपयोग से उत्पादन की कीमत तथा राज्य की हिस्सेदारी में वृद्धि अतिरंजितापूर्ण थी। मतलब यहाँ पे ये है कि जो उपज होता था वो मूल्यों पर सरकारी जो निरीक्षण था, यानी कि सरकारी एक तरह से सरकारी निगरानी के अंतर्गत इसको रख दिया गया, लेकिन जो वास्तविक उपज होती थी, ठीक है ना, उतनी वास्तविक उपज नहीं होती थी जितना कि उपज का प्रयोग बाजार में, जितना उसका कीमत लगाई जाती थी, कीमत जो लगाई जाती थी, ठीक है ना, वो कहीं ज्यादा हुआ करती थी। तो राजस्व मांग में इस वृद्धि से जुताई योग्य भूमि कम होती है, किसानों का पलायन हुआ। अब जब कर ज्यादा रख दिया गया, राजस्व ज्यादा रख दिया गया, अब फसल उतनी होती नहीं थी, तो सीधी सी बात है, और जो भूमि है वो भी जुताई योग्य नहीं होती थी, ठीक है ना। तो लोग क्या करने लगे, उस जगह, एक जगह से दूसरी जगह में जाने लगे खेती करने के लिए, तो किसानों का पलायन हो गया। तो दोआब और दिल्ली के आसपास विशाल किसान आंदोलन हुए, और इससे दिल्ली में होने वाली अनाज की आपूर्ति जो है वो बंद हो गई। जो दिल्ली
दिल्ली में अनाज जाता था वो किसान आंदोलन की वजह से बंद हो गया, ठीक है ना। और 7 वर्ष तक उन्हें 1335 से 1342 अकाल की चोट सहनी पड़ी थी। तो 7 वर्षों तक जो है मोहम्मद गजनवी को सॉरी मोहम्मद तुगलक को यहाँ पर क्या सहनी पड़ी थी, अकाल की मार भी झेलनी पड़ी, ठीक है ना। फिर इसके बाद ये लिख दीजिएगा कि वो पहला सुल्तान था जिसने समस्याओं को जूझते हुए कृषि को बढ़ाने के लिए कृषि नीति को निरूपित किया, यानी कृषि नीति को लागू करने का प्रयास किया, उसको और अच्छा बनाने का प्रयास किया। उसने जुताई योग्य भूमि के विस्तार किए, ठीक है, सिंचाई के लिए कुएं खोदे, और यहाँ पर इतना ही नहीं, लोगों को कार्य करने रहने देने के लिए यहाँ पर सोनधर नामक कृषि ऋण प्रारंभ किया कि जिसको जरूरत हो वो सरकार से कृषि के नाम पर ऋण ले सकता है, पैसे उधार पर ले सकता है। लेकिन ऐसा लगता नहीं कि ऐसा हुआ होगा कि उन तक वो पैसा पहुंचा होगा, ठीक है। तो कृषि को बढ़ाने के लिए दीवान ए अमीर ए कोही नामक मंत्रालय स्थापित किया गया, और इसके दो मुख्य कार्य थे, ठीक है ना। तो कृषि को बढ़ाने के लिए दीवान ए अमीर कोही नामक जो मंत्रालय था, इसकी उसे स्थापना की गई। इस मंत्रालय के देखिए दो कार्य रखे गए, ठीक है। पहला कार्य क्या था, पहला मुख्य कार्य था खेती योग्य भूमि में विस्तार, यानी खेती योग्य जो भूमि है उसको और अधिक बढ़ाया जाए। और दूसरा था अनुपयोगी कृषि भूमि को सुधारने में बोई जाने वाली फसलों में सुधार लाना, यानी कि जो खेती योग्य भूमि है उसमें अधिक विस्तार किया जाए, जो भूमि योग्य है उपजाऊ है उसको और अधिक उपजाऊ मतलब बनाया जाए, उसमें विस्तार किया जाए। और दूसरा था कि जो भूमि अनुपजाऊ है जिसमें फसल नहीं हो रही है तो उसको सुधारने का प्रयास किया गया ताकि अच्छी फसल उसमें हो जाए। और यह सलाह दी गई कि गेहूं के स्थान पर गन्ना और गन्ने के स्थान पर अंगूर और खजूर की कृषि की जानी चाहिए, ठीक है ना। यानी बदलती हुई कृषि जो होती है उसको अपनाया जाए, एक ही खेत में बार बार एक ही चीज को ना बोया जाए, ठीक है। तो सुल्तान अपनी कृषि सुधार योजना को लागू करने में इतना दृढ़ निश्चय था कि एक धर्मशास्त्री के कहने पर कि नकदी में ऋण देकर अनाज के रूप में ब्याज प्राप्त करना एक पाप था, तो उसे फांसी दे दी गई थी। सोचिए, ये था जो आपका तुगलक का है, मोहम्मद तुगलक तुगलक की सॉरी कृषि ने, ठीक है। ओके चलिए अब देख लेते हैं थोड़ा सा, इनका तो इतना देख लिया काफी है, ठीक है ना। अलाउद्दीन खलजी की भू राजस्व प्रणाली, अलाउद्दीन खलजी वेरी इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन खलजी का बाजार नियंत्रण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इसे याद रखिएगा, अलाउद्दीन खलजी का बाजार नियंत्रण, ठीक है ना। ओके चलिए ओके सॉरी। तो देखिए, अलाउद्दीन खलजी की नीतियों ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था तक ही सीमित न रहकर नगरी बाजार व्यवस्था को भी प्रभावित किया। तो आप लिख सकते हैं कि अलाउद्दीन खलजी की जो नीतियां हैं उसने सिर्फ ग्रामीण अवस्था को ही प्रभावित नहीं किया बल्कि नगरी व्यवस्था को भी प्रभावित किया, और उसे उन 7 अधिनियमों को जारी करने का श्रेय दिया जाता है जो बाजार नियंत्रण के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ पर वो 7 अधिनियम जो हैं, ठीक है ना, जो 7 अधिनियम है वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, राइट। तो जो वो 7 अधिनियम है वो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वो 7 अधिनियम कौन है वो भी जानना वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो केवल एक ऐसा प्रमाण है, वो प्रमाण है वो बर्नी का, ठीक है, जिससे अधिनियमों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। तो कौन कौन से अधिनियम यहाँ पर रखे गए वो देख लेते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जो बाजार नियंत्रण है ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, अलाउद्दीन खलजी का, ठीक है ना। तो 7 अधिनियम क्या बनाए गए, चलिए एक एक करके देख लेते हैं। पहला अधिनियम, सुल्तानों ने सभी वस्तुओं खाद्यान्नों से लेकर वस्त्रों दासों मवेशियों इत्यादि की कीमतों को निर्धारित किया, यानी कीमत निर्धारण आप कह सकते हैं पहला सॉरी जो पहला अधिनियम है, थोड़ा गले में खराश है, ठीक है। तो जो पहला अधिनियम है उसे आप कह सकते हैं कीमत निर्धारण, ठीक है ना, वस्तुओं का वस्तुओं की कीमत को निर्धारित करना कीमत निर्धारण। तो उसने क्या किया कि जितनी भी वस्तुएं थी, चाहे वो खाने की हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो दास, क्योंकि दास भी खरीदे जाते थे पहले, लोगों को गुलाम बनाया जाता था, चाहे वो मवेशी यानी जानवर हो, ठीक है ना, इन सभी के सभी का एक कीमत निर्धारित कर दिया, यानी रेट एक प्राइस फिक्स कर दी, ठीक है ना। और वो अपने उपायों को सफल बनाने के उद्देश्य सुल्तान ने इन कीमतों को बलपूर्वक लागू करने की पूरी व्यवस्था की, मतलब जो अधिनियम बनाए गए हैं उनको बल के हिसाब से लागू किया जाए, जोर जबरदस्ती की जाए, लेकिन ये जो है लागू होने चाहिए, ठीक है। ओके, एक बाजार नियंत्रक भी इसमें नियुक्त किया गया। ओके अब यहां पर देख लेते हैं, सॉरी दूसरा देख लेते हैं कि दूसरा जो नियंत्रण है वो क्या है। तो देखिए, यहाँ पर एक बाजार नियंत्रक यानी बरीदो या खुफिया अधिकारी आप कह सकते हैं, गुप्तचर कह सकते हैं, इनकी नियुक्ति की गई। तो
तो ये सेकंड पॉइंट हो गया, ठीक है ना, सेकंड पॉइंट हो गया ना कि एक बाजार नियंत्रक जिसको सहना या मंडी या बरीदो खुफिया अधिकारी, तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि एक बाजार नियंत्रक की नियुक्ति की गई। पॉइंट में आपको बता रही, पॉइंट में लिखिए अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। तो पहला क्या है, पहले का पॉइंट है कीमत का निर्धारण, फिर उसको एक्सप्लेन कर देना जो मैंने बताया किन किन चीजों का निर्धारण किया गया। दूसरा पॉइंट है बाजार नियंत्रक की नियुक्ति, ठीक है, तो फिर उसको लिखिएगा कि उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने एक बाजार नियंत्रक की नियुक्ति की, जैसे खुफिया अधिकारी, ठीक है ना, बाजार नियंत्रक खुफिया अधिकारी या फिर गुप्तचर कहा जाता था, ठीक है, तो ये बाजार नियंत्रक हो गया। फिर अब यहाँ पर तीसरा ले लेते हैं, तीसरा क्या है, खाद्यान्न व्यापारियों को सहना मंडी के नियंत्रण में रखा गया और जमानत ली गई। तो खाद्य जो व्यापारी होते थे उनको सहना मंडी में रखा गया, उनसे जमानत ली गई थी, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लेते हैं तीसरा अधिनियम तो यहाँ पे शायद मिस प्रिंट हो, कि सुल्तान स्वयं प्रतिदिन इन तीनों स्रोतों से अलग अलग जानकारी प्राप्त करता था। तो तीसरा अधिनियम हो गया कि सुल्तान स्रोतों से जानकारी प्राप्त करना, ठीक है, क्या हो गया, स्रोतों से जानकारी प्राप्त करना तीसरा हो गया, राइट। तो सुल्तान जो है वो प्रतिदिन तीनों लोग को, तीन लोग कौन, जो बाजार नियंत्रक होता था, जो खुफिया अधिकारी होता था, गुप्तचर होता था, इन तीनों लोग से मिलता था और अलग अलग जानकारियां पूरी इकट्ठा करता था, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, जमाखोरी पर प्रतिबंध, जमाखोरी पर भी प्रतिबंध जो है वो लगा दिया गया था, ठीक है ना। तो बाजार में सख्त नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए सुल्तान ने जरूरी आवश्यकताओं जैसे अनाज और अन्य वस्तुओं की कम दरों पर नियमित आपूर्ति को नजरअंदाज कर दी, नहीं किया, सॉरी नहीं किया, नियमित आपूर्ति को, ठीक है ना। तो जो जमाखोरी थी उस पर भी प्रतिबंध लगा गया, ठीक है, ये सॉरी ये चौथा हो गया, बाजार में सख्त नियंत्रण, ये पांचवा हो गया, बाजार में सख्त नियंत्रण किया गया, यानी बाजार में सख्त नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए सुल्तान ने जरूरी आवश्यकताओं जैसे अनाज और अन्य वस्तुएं थी उनकी जो दरें थी उन पर उनको भी नजरअंदाज नहीं किया और नियमित रूप से वो इसकी जांच पड़ताल करता रहा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर देख लेते हैं कि बाजारों में खाद्यान्न व्यापारी उसी अवस्था में आपूर्ति कर सकते थे, यानी सामान को भेज सकते थे यदि उसने सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध होते थे। इसी कारण सुल्तान ने दोआम में भू राजस्व इतनी सख्ती से वसूलने का आदेश दिया कि किसान खेतों के निकट ही अपनी पैदावार जो है खाद्यान्न व्यापारियों को बेचने को मजबूर हो गए, ठीक है ना, राइट। तो चलिए ये देख लेते हैं, ओके राइट। अब आगे क्या देख लेते, छठवां हो गया ना, ओके ये छठवां हो गया। अब देख लेते हैं सातवां देख लेते हैं, हालांकि यहाँ पे अधिनियम अलग अलग दिए तो कोई बात नहीं। सुल्तान ने दिल्ली और राजस्थान में जाइन नामक स्थान पर अन्न भंडार गृहों की स्थापना की, तो अन्न भंडार गृहों की स्थापना हेडिंग एक हो गई, ठीक है ना। तो कहाँ पे की थी, राजस्थान और दिल्ली और राजस्थान में, आप कर दीजिएगा कि अन्न भंडार गृहों की स्थापना की थी, यानी कि जो अन्न जो फसल है जब किसी के पास किसानों के पास से लाई जाती थी तो उसको एक भंडार गृह में रखा जाता था, ठीक है ना। तो दोआब की खालसा भूमि से भूम कर वस्तुओं के रूप में वसूल किया गया, ठीक है, वह अनाज राज्य के अन्न भंडार गृह में जमा होता था, ठीक है, ओके। मुल्तानी वस्त्र व्यापारियों को वस्त्र खरीदने और बाजार में लाने हेतु 20 लाख टन का अग्रिम ऋण, अंतिम ऋण दिया जाता था। तो यहाँ पे एक अग्रिम सॉरी अग्रिम ऋण भी दिया जाता था, अग्रिम ऋण यानी पहले से उनको पैसे दे दिए जाते थे वस्त्र व्यापारियों को वस्त्र बाजार में लाने के लिए, ठीक है। तो ये अधिनियम है या सात प्रकार आप कह सकते हैं, सात कृषि में सुधार लाने के लिए कानून आप कह सकते हैं, अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहीं से कुछ भी पूछे अलाउद्दीन खिलजी आता है और बाजार नियंत्रण आता है, आपको यही लिखना है, ठीक है, ओके सॉरी। तो अब ये हो गया अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है। अब ये सभी स्रोतों से ही ज्ञात होता है कि सुल्तान को मूल्यों को कम रखने और बाजार में वस्तुओं की प्रचुर आपूर्ति जारी रखने में सफलता प्राप्त हुई, यानी मूल्य को कम रखा और बाजार में इसलिए वस्तुएं बहुत मात्रा में आई, फसल बहुत मात्रा में आई, परंतु इस बात को लेकर विभिन्न मत है कि सुल्तान द्वारा बाजार नियंत्रण क्यों लागू किया गया और किस किस क्षेत्र में इसको लागू किया गया, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला है। तो जो दरबारी कवि अमीर खुसरो है उन्होंने इन उपायों को अतिशय उदारतापूर्ण एवं जन साधारण के सुख चैन और कल्याण हेतु बताया। तो अमीर खुसरो ने कहा कि जो सरकार का यह फैसला निर्णय था जो बाजार नियंत्रण लागू किया गया वो उदारतापूर्ण निर्णय था और लोगों की सुख शांति कल्याण के लिए था, ठीक है। यहाँ पे चिश्ती संत नसरुद्दीन शाह महमूद जो थे उन्होंने सुल्तान द्वारा सभी की भलाई के लिए किया गया प्रयास बताया, परंतु जो इतिहासकार बरनी है उनका मत बिल्कुल भिन्न है। इसके लिए उन्होंने सुल्तान को परोपकारी भावनाओं को श्रेय न देकर ठोस वित्तीय कारण बताया।
रीजन क्या था कि सुल्तान मंगोल आक्रमण से सुरक्षा हेतु एक बड़ी सेना के निर्माण हेतु चिंतित थे। मंगोलों का आक्रमण उस समय जारी था और उससे वो सुरक्षा चाहते थे। मंगोलों को आक्रमण के लिए सुरक्षा के लिए सैन्य भर्ती यानी सैनिकों को इकट्ठा करना पड़ेगा। सैनिकों को इकट्ठा करने के लिए भाई वेतन उनको देना पड़ेगा तो पैसे की जरूरत पड़ेगी, अस्त्र खरीदने पड़ेंगे तो पैसे की जरूरत पड़ेगी ना। तो सामरिक महत्व के स्थानों पर किला निर्माण कर दिल्ली के चारों ओर दीवार खड़ी भी करना था। तो अस्त्र सेना के साथ साथ में जो सामरिक महत्व पे जहां से युद्ध लड़े जाते थे, जहां पे सभी चीजें हुआ करती थी, खाने पीने की जहां चीजें पे अवेलेबल होती है, सामरिक चीजें हो जाती हैं, तो वहां पर वो क्या करते थे, किला का निर्माण करना चाहते थे और दिल्ली को चारों ओर से क्या करना चाहते थे, किलेबंदी करना चाहते थे। और अतिरिक्त घुड़सवार सैनिकों को तत्कालिक वेतनमान पर नियुक्त, ये सभी जो है करने से राजकोष पूर्ण रूप से खाली हो जाता। इसलिए राजकोष पे ज्यादा बोझ ना पड़े तो उन्होंने ये जो है 7 नियम यहाँ पर बनाए बाजार नियंत्रण के। तो वेतनमान में कमी उसी अवस्था में की जा सकती थी यदि कीमतों को पर्याप्त रूप से कम स्तर पर रखा जाता, ठीक है। तो ये तर्क था बर्नी का। और ठीक है, बाजार नियंत्रण भी लंबे समय तक जारी नहीं रहा। अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल के बाद हमें इसके बारे में सूचना नहीं मिलती है। मूल नियंत्रण में सफलता प्राप्त करने के लिए अत्यंत कारकुशल और चौकन्ने प्रशासन की जरूरत थी और इसके जारी न रहने का एक संभव जो कारण था, एक कारण था पर्याप्त रूप से योग प्रशासन की कमी होना था। तो जो खलजी ने बाजार नियंत्रण लगाए थे तो खलजी शासन के काल के बाद इसके लागू रहने की कोई भी जानकारी नहीं मिलती है कि खलजी शासन के बाद भी ये जो बाजार नियंत्रण है वो लगाए गए थे, वो लगे थे या काम कर रहे थे। उसका एक रीजन ये था कि कोई भी योग्य प्रशासन वहां पे कोई भी योग्य व्यक्ति नहीं मिल सका जो इसको लागू करता और आगे लेके चलता है, ठीक है ना, राइट। लेकिन इरफान हबीब अलाउद्दीन खलजी के उत्तराधिकारी द्वारा मूल नियंत्रण की नीति को त्यागने के लिए एक भिन्न मत प्रकट करते हैं कि कम कीमतों के प्रचलन का अर्थ उन क्षेत्रों में कम राजस्व प्राप्त था और मूल नियंत्रण कम कीमतों वाले क्षेत्रों के सीमित होते ही व्यवहारिक था और अधिकांश व्यय भी वही केंद्रित था। तो इसको आप छोड़ दीजिए, बस आप यहाँ ऊपर तक, यहाँ तक का जो है इसको आप कर लीजिए, ठीक है ना। ऊपर से लेकर के यहाँ तक आपको पूरा लिखना है बाजार नियंत्रण में, ठीक है। अलाउद्दीन खलजी द्वारा मूल नियंत्रण लागू करने के उपायों का वर्णन कीजिए, वही है 7 उपाय जो उसने किए थे बाजार नियंत्रण मूल नियंत्रण करने के लिए। मूल नियंत्रण लागू करने के समय बनने के विचार अभी जस्ट हम पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है ना। अलाउद्दीन खलजी के उत्तराधिकारी काल में मूल नियंत्रण समाप्त करना क्या था, उत्तराधिकारी का, जो हमने इसको खारिज कर दिया, उसको कट कर दिया, वही वाला था, ठीक है ना। ओके, दिल्ली सुल्तानों का राजस्व प्रशासन क्या है, चलिए दिल्ली सुल्तानों का राजस्व प्रशासन देख लेते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो बर्नी के माध्यम से ही मिलेगी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो बर्नी ने बताया कि 3 ग्रामीण अभिजात या उच्च वर्गों के विषय में बताता है, यानी 3 यहाँ पर ग्रामीण अभिजात या उच्च वर्ग हुआ करते थे। यह वर्ग कौन से हैं, खोत, मुकद्दम और चौधरी, जो राज्य की ओर से किसानों से भूमि कर खराज वसूला करते थे। तो यहाँ पर कर वसूलने के लिए 3 जो है ग्रामीण वर्ग बनाए गए थे, अभिजात या उच्च वर्ग बनाए गए थे, खोत, मुकद्दम और चौधरी थे, जो किसानों से राज्य की तरफ से क्या करते थे, जो है भूमि कर वसूल करते थे, इसको खराज भी कहते हैं, ठीक है। तो यह लोग किसानों से कर वसूल करके दीवाने ए विजारत के अधिकारियों के पास जमा कर देते थे, यानी कि जो दीवाने विजारत जो मेन होते थे कर वसूल करता और जो केंद्र में होते थे यानी सात प्रशासक के पास होते थे, उनके पास जमा कर देते थे और इस कार्य के बदले में उन्हें पैसे दिए जाते थे और उन्हें कर वसूली का एक भाग प्राप्त करने का अधिकार था। तो यदि कर का जितना भी वो पैसा वसूल करके लाते थे तो उसका एक भाग उनको प्राप्त हो जाता था अपने मेहनताना के तौर पर, ठीक है ना। और इसे हक एक खोती या खोती का अधिकार कहते हैं, ठीक है। तो इसे रहन दीजिए, इसे छोड़ दीजिए, खोती हक के खोती नहीं याद रहेगा, इतना याद कर लीजिएगा कि कर वसूली का एक भाग उनको मिल जाता था, ठीक है, मेहनताना करने के पर्पज में। यह राशि उन्हें नगद रूप में नहीं मिलती थी बल्कि कर मुक्ति भूमि के रूप में मिलती थी, अर्थात भूमि के एक भाग पर कर वह स्वयं अपने पास रख लेते थे। मतलब जैसे कर वसूल करके लाते थे तो कर से उनको पैसा नहीं दिया जाता था, नकदी से, उस वसूल किए हुए नकदी से पैसे नहीं दिए जाते थे, बल्कि उनको कर मुक्त भूमि के रूप में मिलती थी, यानी कि भूमि का एक भाग, ठीक है, एक भाग का कर वे अपने पास वहीं पे रख लेते थे, ठीक है, राइट। तो इसके अतिरिक्त ये किसानों से भी उनकी उपज का कुछ भाग अलग से ले लेते थे। तो जब वो भूमि का एक भाग का कर अपने पास पहले ही रख लेते थे तो सीधी सी बात है किसान तो इनसे डरते ही थे, तो किसान से वो और ज्यादा पैसे रख लेते थे, ठीक है ना। और जिसे बरनी किस्मत और खोती कहते थे। तो भूमि कर के अतिरिक्त प्रत्येक कृषक को गृह कर, घरी,
पशु या चारागाह कर चराई देना होता था। तो भूम कर कितने तरह के होते थे, एक गृह कर देना होता था कृषक को घर का, और दूसरा पशु या चारागाह कर देना होता, तो पशु होते थे और उनको चराने वगैरह के लिए जो भी चारे वगैरह होते थे तो उसका भी कर देना होता था कर। तो शायद चौधरी सीधे कर इकट्ठा करने की व्यवस्था से जुड़ा हुआ नहीं था, क्योंकि इब्न बतूता के अनुसार चौधरी 100 गांवों का प्रमुख होता था। तो इस अनुमान को और अधिक बल इस तथ्य से मिलता है कि बरनी हमेशा हक एक होती या मुकदमी से शब्दों का प्रयोग करता है और हक एक चौधरी की बात कहीं नहीं करता है। ठीक है ना, तो इसे छोड़ दीजिए, बस यहां तक कर लीजिएगा कि पशु चारागाह है, ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। ओके, तो ये तो हो गया आपका दिल्ली सुल्तानों का राजस्व प्रशासन, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं कि अलाउद्दीन खलजी ने इन मध्यस्थ वर्ग का दमन क्यों किया। ठीक है, ये थोड़ा सा देख लेते हैं कि मध्यस्थ वर्ग हमेशा विद्रोह के लिए तैयार एक अशांत वर्ग हो गया था, यानी हमेशा विद्रोह किया करता था मध्यस्थ वर्ग। तो जो भी विद्रोह, जो भी आंदोलन होते थे वो मध्यस्थ वर्ग की तरफ से हुआ करते थे। तो सुल्तान ने उनके विरुद्ध कुछ प्रमुख आरोप लगा दिए। ठीक है, वो आरोप कौन कौन से थे कि मध्यस्थ वर्ग अपनी भूमि के उस भाग पर कर नहीं देते थे जो कर मुक्त नहीं थी, बल्कि वे अपने कर का बोझ किसानों पर डाल देते थे, अर्थात अपना कर अदा करने के लिए वे किसानों के राजद्वारा निर्धारित दर से अधिक राह वसूल करते थे। मध्यस्थ कर का मतलब जो भी मैं ऊपर देख के आई हूँ, पढ़ाई हूँ आपको, एक ऐसा वर्ग होता था जो किसानों से वसूली प्राप्त करता था और उसे उस वसूली का 1% उसको दे दिया जाता था। ठीक है, और जो उसे 1% मिलता था वो उसे नगद नहीं दिया जाता था, बल्कि वो खुद ही वसूल कर लिया करता था। किससे, किसानों से। तो यहाँ पे ये भी हो जाता था कि लोग उससे किसानों से मतलब कि ज्यादा कर वसूल कर लेते थे, शोषण करते थे एक तरह से। तो यहाँ पे अलाउद्दीन खलजी ने उसे मध्यस्थ वर्ग कहा गया। तो अलाउद्दीन खलजी ने क्या किया कि जो मध्यस्थ वर्ग थी अपनी भूमि के उस भाग पर कर नहीं देते थे मध्यस्थ वर्ग, ठीक है ना, बल्कि अपने कर का जो बोझ है जो उनको भी कर देना होता था वो किसानों पे डाल दिया करते थे। ठीक है ना, वे चराई कर नहीं देते थे, जो मध्यस्थ वर्ग होता था वो चराई कर नहीं देता था, वो किसानों के ऊपर डाल दिया करते थे। गलत तरीकों से प्राप्त अत्यधिक दौलत ने उन्हें इतना घमंडी बना दिया कि वे राजस्व अधिकारियों के आदेशों का पालन भी नहीं करते थे, और जब उन्हें हिसाब देने के लिए राजस्व कार्यालय में बुलाया जाता था तो वे जाते भी नहीं थे। तो ये तीन चीजें थी, तीन आरोप लगे थे मध्यस्थ वर्ग पे, बस आरोप देख लीजिएगा, बाद में इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा यदि क्वेश्चन आता है। ठीक है, ओके, चलिए इतना काफी होगा, क्योंकि अलाउद्दीन खलजी का सिर्फ एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है जो है आपका क्या, बाजार नियंत्रण। ठीक है, अब और आगे देख लेते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है। ओके, ये है मध्यस्थ वर्ग को हटाने के लिए अलाउद्दीन खलजी ने क्या प्रयत्न किए, तीन चीजें जो हमने ऊपर बताई वो बताई है। इस तरह की चीजें जो है टिप्पणी में लिखने के लिए आती है। ठीक है, सोनधर तो ऋण ही हो गया, अब आपको क्या कहा था ऊपर देख लीजिएगा, खराज खालसा ये तो कर से संबंधित हुआ करते थे। हाँ, मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो मुगल शासन के दौरान भू राजस्व के लिए फारसी शब्द माल और माल वाजिब का उपयोग होता था, और खराज शब्द का उपयोग नियमित रूप से नहीं होता था। खराज का मतलब होता था क्या, माल और वाजिब के लिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुगल शासन काल में ये उपयोग नहीं होता था। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर कि जो भू राजस्व वसूली की प्रक्रिया होती थी किस काल में, मुगल काल में, वो 2 चरणों में संपन्न होती थी। पहला कर निर्धारण होता था, ठीक है, यानी जमा, और दूसरा वास्तविक वसूली यानी हासिल करना होता था। ये भी क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और हर बार एग्जामों में ये 1 या 2 साल के गैप में एग्जाम में पूछा ही गया है। ठीक है, मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था क्या है, तो भू राजस्व निर्धारण प्रणाली देख लेते हैं, क्योंकि हमने देख लिया 2 रूपों में की जाती थी, एक किसमें, कर निर्धारण में, और दूसरा वास्तविक वसूली में। तो राज्य की मांग को निर्धारित करने के लिए कर निर्धारण और मूल्यांकन किया जाता था, और इस मांग के आधार पर खरीफ और रबी फसलों के लिए अलग अलग वास्तविक वसूली की जाती थी, सीजनल वसूली की जाती थी। ठीक है, रबी की फसल के लिए गेहूं के लिए अलग से और चावल के लिए अलग से। ठीक है, तो भू राजस्व निर्धारण प्रणाली में मुगलों के अधीन खरीफ और रबी फसलों का राजस्व निर्धारण अलग अलग किया जाता था। मूल्यांकन और निर्धारण प्रक्रिया समाप्त होने पर पट्टा, कौल या करार जारी किया जाता था। जब एक तरह से
निर्धारण की प्रक्रिया, मूल्यांकन यानी कि कर के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती थी, पूरी प्रक्रिया हो जाती थी, ठीक है ना, किसकी, रबी और खरीफ फसलों की। तो एक पट्टा करा, एक पट्टा दे दिया जाता था, और जिसमें किसानों द्वारा देय कर राशि या राजस्व की मांग दर का उल्लेख होता था, यानी एक कागज उनको दे दिया जाता था, एक करार किया जाता था सरकार और किसानों के बीच में। और जो किसानों को राशि देनी होती थी, जो कर देना होता था किसे, जो मुगल शासक को, तो वो उनको उसमें पूरे पट्टे में लिखा होता था। और इसके साथ साथ जिस पर कर लगाया जाता था उसे कबूलियत अर्थात स्वीकृत देनी पड़ती थी कि उसे निर्धारण मंजूर है और कब और कैसे भुगतान करेगा। तो जिस पर भी कर लगाया जाता था, ठीक है ना, उसे क्या करना होता था, सहमति देनी पड़ती थी कि हाँ मैं ये कर जो है वो दूंगा, और किस तरह से कैसे दूंगा वो भी उसमें पूरा लिखा हुआ होता था, ठीक है ना, राइट। तो भू राजस्व निर्धारण प्रणाली हो गई, ठीक है। और यहाँ पे कुछ प्रणालियां हैं, आमतौर पर प्रचलित कुछ प्रणालियों का उल्लेख है, इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था, ठीक है ना। तो फसल बंटवारा विधि सबसे पहली हो गई, कुछ क्षेत्रों में इसे भौली और बटाई भी कहते हैं। आईने अकबरी में फसल के बंटवारे के लिए, क्योंकि आप मुगल काल पढ़ रहे हैं तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन आईने अकबरी में अबुल फजल के माध्यम से मिलेगी। तो आईने अकबरी में फसल के बंटवारे के लिए तीन तरह की पद्धतियों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। सॉरी, तो फसल बंटवारा विधि में इसको तीन भागों में बांटा गया। पहला है खलिहानों में समाज को अलग करने के तुरंत बाद ही राजस्व का बंटवारा, यानी कि जो खलिहान होते हैं जहां पे अनाज काट के लाके रखे जाते हैं उसे खलिहान कहा जाता है, ठीक है, खेत से लाने के बाद। तो जो खलिहान होते थे वहां पे अनाज को तुरंत अलग कर दिया जाता था बंटवारे वाला यानी राजस्व वाला। तो यह बंटवारा निर्धारित समझौते के आधार पर दो पक्षों के बीच में होता था, ठीक है, सामने होता था। फिर खेत बंटाई, फसल के खेत में लगे रहने के वक्त ही खेत में निशान लगाकर खेत को हिस्सों में बांट दिया जाता था। तो खेत बटाई जब है, जब फसल कटती नहीं थी उसके पहले ही खेत को बांट दिया जाता था कि ये हिस्सा कर वाला है जो सरकार लेगी, शासक लेगा, और ये वाला हिस्सा किसान का है। लांग बटाई यानी फसल काट कर और अनाज से अलग किए बिना, खेत से जब फसल कट जाते हैं, सपोज दैट गेहूं चावल हो गया, तो उसमें बालियां लगी हुई होती हैं खेतों, उसमें सॉरी पेड़ में, और खलिहान में गट्ठर बनाकर रख दिया जाता था, और उसके बाद फसल के इन गट्ठों का बंटवारा होता था, ठीक है ना। तो ये लांग बटाई हो गई। तो फसल बंटवारा विधि के अंतर्गत तीन चीजें आ गई, खलिहान में अनाज को अलग करने के तुरंत बाद ही राजस्व का बंटवारा, खेत में बटाई और लांग बटाई, ठीक है, ओके। अब ये देख लेते हैं कि इस प्रणाली के, यहाँ पे मलिक ज्यादा कृत निगारनामा या मुंशी ने क्या कहा कि इस प्रणाली के अंतर्गत राज और किसान दोनों को एक बराबर मौसम की मार झेलनी पड़ती थी, ठीक है ना। लेकिन अबुल फजल के अनुसार यह प्रणाली राज को महंगी पड़ती थी क्योंकि उसे बड़ी मात्रा में निगरानी के लिए कर्मचारियों को रखना पड़ता था और जो फसल की निगरानी करते थे ताकि कटाई के पहले कोई गड़बड़ी ना हो सके। सीधी सी बात है, नियम ही ऐसे बनाए गए थे कि खेत में ही फसल पड़ी हुई है वहीं से बंटवारा आप कर दो। तो भाई किसान कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे हिस्से का जो फसल है वो काट के अपनी तरफ रख ले, गट्ठे बना दो, गट्ठे बांट देते थे तो गट्ठे भी किसान अपनी तरफ कर सकते थे। तो ये एक तरह से निगरानी समिति बनाई गई थी। तो औरंगजेब, जब औरंगजेब ने दक्कन में प्रणाली लागू की तो केवल फसल की निगरानी की व्यवस्था करने के कारण राजस्व वसूली की लागत दोगुनी हो गई। तो जब आप कर्मचारी रखेंगे निगरानी के लिए तो उनको भी तो पैसे देने पड़ेंगे ना, तो सीधी सी बात है लागत तो दोगुनी होगी ही होगी। तो एक ये भी रीजन था, ठीक है, ओके। दूसरा हो गया दानाबंदी। दानाबंदी क्या है? तो कन और कूत के मिलने से बना है कनकूत यानी दानाबंदी। कन का अर्थ अनाज होता है हमें पता है, कूत का अर्थ मूल्यांकन या आकलन होता है, तो अनाज का मूल्यांकन करना, यानी दाना का अर्थ अनाज और बंदी का मतलब निर्धारण करना या निश्चित करना होता है। तो इस प्रणाली में अनाज उत्पादन का आकलन किया था, मूल्यांकन किया जाता था, और सर्वप्रथम रस्सी या चलकर कदमों द्वारा खेत को नापा जाता था। तो यहाँ पर दानाबंदी आप कह सकते हैं, दानाबंदी का मतलब ही होता था कि अनाज का मूल्यांकन करना, निर्धारण करना, आकलन करना। और इसके लिए जैसे कि पहले नियम बनाए गए थे कि खेत में ही फसल खेत में लगी हुई है तभी जो है खेत को दो हिस्सों में बांट दिया जाता था, एक कर वाला और एक किसान वाला। तो बांटा किससे जाता था, या तो चलकर कदमों द्वारा या खेत को किसी रस्सी से नाप कर बांटा जाता था, ठीक है ना, ओके। फिर जप्ती, जप्ती क्या है? मुगल कालीन राजस्व निर्धारण की महत्वपूर्ण प्रणाली है और इसकी शुरुआत शेर शाह के काल से मानी जाती है, ठीक है ना। और जप्ती, जप्ती का मतलब होता था कि अकबर ने राज्य की ओर से पोलज यानी भूमि जिस पर लगातार बुआई की जाती थी, ठीक है ना, और परौती वह भूमि जिसे अदा कदा ही खाली छोड़ दी, जिसे हम परती बोलते हैं, है ना, बोलते हैं ना कि परती खेती करनी चाहिए, एक साल खेती करिए और एक साल भूमि को छोड़ दीजिए, ठीक है,
या फिर 1 साल दूसरी खेती उसमें करिए, ये पत्ती खेती कहलाती है। तो ये दो चीजें थी जो शेर शाह के राज्य की ओर में की थी, और भूमि के लिए निर्धार मतलब कि जो कर होता था वो निर्धारित किया गया था, और निर्धारण के लिए 3 दरों को विचार में रखा गया था। ये दर उच्चतम, मध्यम और निम्न श्रेणी की हुआ करती थी, और इन 3 श्रेणियों की भूमिका के औसत उत्पादकता 1/3 कर के रूप में निर्धारित किया जाता था। और अकबर ने शेर शाह के रे को अपनाया, अकबर ने करोड़ी नाम से जाना जाने वाला प्रयोग भी लागू किया, और उसके प्रयोग के अंतर्गत उन्होंने भारत में करोड़ियों को नियुक्त किया, ठीक है ना। तो संपूर्ण जागीर भूमि को खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया, जो जागीर भूमि होती थी उसको खालसा भूमि में बदल दिया, और करोड़ियों द्वारा अपने क्षेत्र की उत्पादकता, वास्तविक उपज और स्थानीय मूल्य के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई, ठीक है। तो ये अकबर का था व्यवस्था। अकबर ने क्या किया, विभिन्न फसलों के औसत उत्पादन के पिछले 10 साल के औसत मूल्य की गणना की गई, औसत उत्पादन के कम से कम 1/3 हिस्से पर राज्य का अधिकार निश्चित कर दिया गया, और करोड़ी प्रयोग के तहत सभी प्रांतों में भूमि नापी गई। नाप के लिए जूट की रस्सियों के स्थान पर तनाव यानी लोहे की कड़ी लगी बांस की छड़ों का उपयोग किया गया, और विभिन्न क्षेत्रों में उनकी उत्पादकता मूल्यों के आधार पर राजस्व की दृष्टि से दस्तूर प्रखंडों राजस्व क्षेत्रों में विभक्त किया गया। तो यहाँ पे क्या क्या किया गया, अकबर ने क्या क्या किया, जो शेर शाह सूरी द्वारा चलाया गया भूमि रे, रे का मतलब प्रति बीघा उपज जो होती थी उसका निर्धारण शेर शाह ने किया, और 3 दरें इसमें निश्चित कर दी थी, उत्तम मध्यम और निम्न श्रेणी की भूमि की उत्पादकता पर, जिस भूमि में जितनी फसल होती थी उसके हिसाब से यहाँ पे दरें फिक्स की जाती थी रे, ठीक है, रे याद रखिएगा। और ये 3 श्रेणियों की भूमि होती थी, अकबर ने शेर शाह के इसी रे को अपनाया, रे का मतलब यहाँ पर प्रति बीघा उपज को अपनाया कि 1 बीघे में कितनी उपज होती है, और अकबर ने करोड़ी नाम से इसको जाना, अकबर ने रे को बदल के करोड़ी नाम इसका रख दिया, ठीक है। और भारत में करोड़ियों की नियुक्ति की जो निगरानी किया करती थी, ठीक है ना, जो भूमि का नाप वगैरह किया करती थी, और जागीर को खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया, जागीर भूमि के नाम से जाना जाता था उसको खालसा भूमि में बदल दिया उसने, ठीक है ना। ओके, करोड़ी की नियुक्ति क्यों की गई थी, जो क्षेत्रों में उत्पादन होता था, फसल होती थी और वास्तविक जो उपज होती थी और स्थानीय मूल्य के बारे में जानकारी पूरी वो देते दिया करते थे करोड़ी लोग, ठीक है। और यहाँ पर पहले जो खेतों की नाप की जाती थी किससे की जाती थी, रस्सी से की जाती थी, तो अब रस्सी की जगह यहाँ पर रूट की रस्सी की जो जूट की रस्सी होती थी सॉरी उसकी जगह यहाँ पर अब लोहे की कड़ी लगी बांस के छड़ों का उपयोग होने लगा था, तो ये भी एक यहाँ पे परिवर्तन हुआ था, ठीक है। ओके, तो अकबर के अधीन अपनाई गई जब्ती व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, भूमि की नाप अनिवार्य थी, ठीक है, पहली विशेषता जब्ती की, प्रत्येक फसल के लिए दस्तूर उल अलम या दस्तूर के नाम से जाने जाने वाला नगद राजस्व निर्धारित किया गया, और सभी वसूली नगद में की गई, जो वसूली नगद में की गई पैसे के रूप में की गई, और साथ ही साथ में यहाँ पर क्या किया गया, दस्तूर के नाम से एक नगद राजस्व निर्धारित किया गया, और भूमि की नाप अनिवार्य कर दी गई, ठीक है। ओके, चलिए, प्रशासनिक दृष्टि जब्ती की व्यवस्था के कुछ प्रकार थे, भूमि की नाप को कभी भी जांचा जा सकता था, जब्ती का काम होता था जो पटवारी किया करते हैं आज के टाइम में, निर्धारित दस्तूरों के कारण पदाधिकारी अपनी मनमानी नहीं कर सकते थे, कई दस्तूरों के निर्धारण के बाद भू राजस्व मांग की अनिश्चितता उतार चढ़ाव में कमी आई थी, ठीक है ना। इसकी कुछ सीमाएं भी थी, किसके, मुगलकालीन भूमि व्यवस्था की सीमाएं, क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुगलकालीन भूमि व्यवस्था की सीमा क्या क्या थी आप बताइए, तो फिर आपको लिखना पड़ेगा क्या, भूमि की उर्वरता समान न होने पर इसे लागू नहीं किया जा सकता था, क्योंकि जो भूमि थी वो कहीं पे उपजाऊ कहीं पे अनुपजाऊ थी, तो समान तो उर्वरता नहीं मिलती थी ना, समान भूमि उपजाऊ पर नहीं होती थी, तो सब जगह उसको लागू नहीं कर सकते थे, जहां पे अच्छी फसल होती है वहीं पे लागू कर सकते थे। उत्पादकता की अनिश्चितता का दंड केवल किसानों को ही भुगतना पड़ता था, और ये किसानों के लिए हानिकारक हुआ करता था, क्योंकि यदि उत्पादन अच्छा नहीं हुआ है या कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो हमेशा किसान इसके जिम्मेदार हुआ करते थे। तो अगर किसानों में जब्त को वहन करने की क्षमता नहीं होती है तब राजस्व के रूप में उत्पादन का 1/3 हिस्सा ले लिया जाता था, किसानों के पास कुछ बचता ही नहीं था, क्योंकि फसल हमेशा ऑलवेज एक जैसी नहीं होती है, 1 साल अच्छी हुई तो अगले साल अच्छी नहीं हुई, और यह एक खर्चीली प्रणाली थी, क्योंकि इसमें माप करने वाले दल को पारिश्रमिक के रूप में प्रति बीघा 1 दाम की दर से जाबिताना यानी पैसा देना पड़ता था, तो इसलिए खर्चीली प्रणाली थी, ठीक है ना। और माप करते समय कर्मचारियों द्वारा गड़बड़ी और धोखाधड़ी की संभावना बनी रहती थी। तो ये था जब्ती व्यवस्था के अंतर्गत आप देख सकते हैं, या फिर भूमि राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत कुछ सीमाएं, तो जब्ती व्यवस्था भी आ सकता है, भूमि राजस्व भी आ सकता है, ठीक है ना। तो जब्ती व्यवस्था केवल साम्राज्य के कुछ क्षेत्रों में लागू की गई थी, और जब्ती के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में मुगल सूबे, दिल्ली, इलाहाबाद,
अवध, आगरा, लाहौर, मुल्तान प्रमुख थे और यहाँ तक कि जबती प्रांतों में की क्षेत्र विशेष की परिस्थितियों के अनुरूप निर्धारण प्रणालियों भी प्रचलित थी। ठीक है, नस्क कर निर्धारण की एक स्वतंत्र प्रणाली थी। अभी हमने क्या देखा, यहाँ पे जबती देखा ना, अब नस्क कर यहाँ पे एक आ गया। चलिए अब हम नस्क कर देख लेते, थोड़ा सा चलते चलते देख लेते हैं। ओके ये दूसरी प्रणालियों पर आधारित थी और किसी भी प्रकार के राजस्व निर्धारण वसूली प्रणाली में इसे अपनाया जा सकता था। किसी प्रकार का राजस्व निर्धारण हो या वसूली करना हो तो उसमें इसको, इस प्रणाली को नस्क कर में अपना सकते थे। उत्तर भारत में नस्क ए जप्ती, जबकि कश्मीर में नस्क ए गल्ला बख्शी के रूप में उपस्थित थी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे दिया है। राजस्व ठेके की प्रथा इजारा, इजारा इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। राजस्व ठेके की प्रथा को क्या कहते हैं, समझाइए, आ सकता मुगल कालीन या फिर इजारा को क्या कहते हैं। तो देखिए, इजारा व्यवस्था या राजस्व ठेके की प्रथा इस युग की राजस्व व्यवस्था की एक अन्य विशेषता है। ठीक है ना, यानी कि राजस्व के अभी आप विशेषताएं देख रहे हैं, आपने जप्ती देखा, आपने इजारा देखा, ये क्या है। यदि क्वेश्चन आता है कि मुगल कालीन राजस्व व्यवस्था लिखिए क्या क्या है, या मुगल कालीन राजस्व व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी से किस तरह अलग है, या फिर मुगल कालीन राजस्व व्यवस्था की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, तो फिर विशेषताओं में आपको जप्ती, इजारा, ये सब चीज लिखनी पड़ेंगी। ठीक है ना, तो इस काल की एक और प्रमुख विशेषता थी, वो थी इजारा। नियमित मुगलों ने इस प्रथा को स्वीकार नहीं किया था और व्यवहार में कभी कभी गांवों को इजारे या ठेके पर दे दिया जाता था। इजारे का मतलब ठेके पर देना, राजस्व ठेके की प्रथा। ठीक है, और उन गांवों में व्यवस्था लागू होती थी जहां के किसानों के पास खेती करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं होते थे या फिर किसी दुर्भिक्ष के कारण खेती नहीं हो पाती थी। तो जो ये इजारा यानी कि ठेके पर जो खेती की करवाई जाती थी वो किन गांवों में होती थी, तो उन गांवों में होती थी जहां पर खेती करने के लिए किसानों के पास साधन का मतलब है तो बहुत कम जमीन होती थी, या उनके पास सिंचाई की सुविधा नहीं होती थी, या उनके पास बैल वगैरह नहीं हुआ करते थे। ठीक है ना, ये सभी जो साधन होते थे खेती में जो लगते हैं, तो उनके लिए, या फिर कभी कभी दुर्भिक्ष कारण अकाल वगैरह आ गई, एक्स वाई जेड कुछ ऐसी रीजंस हो गए तो इसके कारण खेती नहीं हो पाती थी। मवेशियां ऐसे होते हैं जो आके खेत वगैरह को चर जाते हैं। तो राजस्व अधिकारी या उससे संबंधित इजारे पर भूमि लेने के अधिकार से वंचित थे। तो उम्मीद की जाती थी कि राजस्व ठेकेदार किसानों से निर्धारित भू राजस्व से ज्यादा राशि वसूल नहीं करेगा, परंतु व्यवहार में ऐसा होता नहीं रहा होगा। मतलब कि जब राजस्व इजारे पर भूमि कर लेने की बारी आती थी तो ठेकेदार जो हुआ करते थे वो ज्यादा वसूली किया कर, ज्यादा वसूली ना करें, ऐसा शासन का आदेश था। उतना ही वसूल करें जितना निश्चित भूभाग पे कर लगाया गया है, लेकिन वो ज्यादा वसूल नहीं करते रहे होंगे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि जनरली देखा जाता है कि जब लगाम किसी व्यक्ति विशेष के हाथ में दे दी जाती है तो वहां पे तानाशाह प्रवृत्ति आ ही जाती है, और यहाँ पे भी ये हुआ होगा। तो जबती प्रांतों गुजरात और मुगल दक्कन में इजारा प्रथा आम तौर पर प्रचलित नहीं थी, यानी जबती जो थी, जो जबती प्रांत है जहां पर जबती की प्रथा थी, गुजरात और मुगल दक्कन में इजारा यानी ठेके की राजस्व प्रणाली प्रचलित नहीं थी, और खालसा भूमि में भी अपवाद ही था, नाम भर के लिए था, परंतु जागीर भूमियों में चलन समान हो गया। जागीर भूमियां थी जिन्हें खालसा नाम दे दिया गया था, वहां पे एक समान हो गया, मतलब वहां पर पद्धत चलती थी और राजस्व प्राप्त करता जागीरदार अपना अधिकार एक बड़ी राशि लेकर बेच दिया करते थे, अक्सर वो इसकी नीलामी कर दिया करते थे। ठेकेदार जो इजारे पर घूम लेते थे किसानों से राजस्व वसूल किया करते थे, तो ठेकेदार का क्या होता था, इजारे पर घूम लेना और किसानों से राजस्व वसूल करना। ठीक है ना, ओके। कभी कभी जागीरदार अपने मातहतों सैनिकों को भी अपनी जागीर का एक हिस्सा राजस्व वसूली के रूप में दे दिया करते थे। तो 18वीं शताब्दी तक इजारा व्यवस्था राजस्व निर्धारण वसूली के लिए समान तौर पर प्रचलित हो गई थी। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो शब्द है ना ये इजारा, ठीक है ना, ये इजारा जो व्यवस्था है वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्व वसूली की इजारा व्यवस्था से आप क्या समझते हैं बताइए, ठीक है ना, इजारा व्यवस्था मुगल कालीन इजारा व्यवस्था से आप क्या समझते हैं बताइए, तो फिर आपको यही लिखना पड़ेगा ठेके की प्रथा, बस ठेका याद रख लीजिए दिमाग में। ठीक है, भू राजस्व मांग का परिणाम क्या हुआ इसको नहीं देखेंगे, ठीक है। ठीक है, अब हम इंपॉर्टेंट और क्या ले लेते हैं, जब्ती व्यवस्था की विशेषता सीमाओं को लिखिए, मुगल कालीन में राजस्व मांग के पैटर्न पर विचार कीजिए, वही राजस्व मांग जो भी हम इतना कुछ देख के आए मुगल काल में, ठीक है, वही पैटर्न है जहां पर क्या किया गया, इजारा लगाया गया, जहां पे जब्ती की गई, ये राजस्व पैटर्न था। तो यहाँ पे क्वेश्चन है जब्ती व्यवस्था की विशेषता सीमा, तो हम लोग यहाँ पे देख चुके, आपको बता भी चुके थे कि इसकी सीमाएं हैं जब्ती की और यहाँ पे इसकी विशेषता भी, ठीक है। तो ये कुछ व्यवस्था, कुछ सीमाएं किसकी, जब्ती की,
ठीक है ना। और यहाँ पे प्रशासनिक दृष्टि से जब्ती के कुछ लाभ भी थे, तो लाभ और सीमा आता और ये यहाँ पे विशेषताएं हो गई। तो तीन यहाँ पे जब्ती से क्वेश्चन बनते हैं। पहला आपका विशेषता हो सकता है, किससे? जब्ती से हो सकता है, जो कि ये यहाँ पे दिया है। दूसरा आपका इसके कुछ लाभ, की जब्ती विशेषता की लाभ क्या है, तो ये हो गया। कुछ सीमाएं, सीमाओं को आप हानियां कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं, लाभ और हानियां भी आ सकता है जब्ती व्यवस्था के, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। ओके राइट। चलिए अभी तो बहुत यूनिट आपकी बची हुई, अगर इतना डिटेल में मैं करने लगूंगी तो मुश्किल होगा, तो मेन मेन लेते हैं, ठीक है ना। ओके चलिए चलिए, वसूली का हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि राज्य का हिस्सा सीधे खेत से वसूल कर लिया जाता था। अन्य व्यवस्थाओं में कटाई के समय राज्य अपना हिस्सा वसूल कर लिया करता था, तो इसे आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। खरीफ के मौसम में विभिन्न फसलों की कटाई विभिन्न समयों में हुआ करती थी, खेतों में भी फसलों को बांट लिया जाता था, कभी कभी गट्ठे बांधते जब आया करते थे खलिहानों में, तो वहां पे फसलों को बांट लिया जाता था, कितना कर के लिए होगा, इतना किसानों के लिए होगा, जिसे आप एक्सप्लेन करके रख दीजिए, लिख दीजिएगा। अब इंपॉर्टेंट ले लेते हैं, मुगलों का भू राजस्व प्रशासन क्या है। चलिए राजस्व के, अब प्रशासन की बात यदि आ जाए, अभी तो हमने भू राजस्व के तरीके देखे कौन कौन से थे, भू राजस्व किस तरह से किया जाता, अब भू राजस्व प्रशासन क्या था, ठीक है ना। तो खालसा भूमि के से राजस्व प्रशासन व्यवस्था के विषय में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है, लेकिन जागीर प्रशासन के विषय में बहुत कम जानकारी हमें यहाँ पे मिलती है। और जागीरों का स्थानांतरण क्योंकि 2 या 3 वर्षों में हो जाया करता था, तो उन्हें स्थानीय लोगों के राजस्व प्रदान करने की जो सामर्थ्य थी उसका कोई यहाँ पे ज्ञान नहीं मिलता है। तो राजस्व के क्षेत्र में हमें 3 प्रकार के पदाधिकारियों का पता चलता है, क्योंकि प्रशासन का मतलब होता है कि राजस्व किस तरह से वसूल किया जाता था, कौन कौन उसके अंतर्गत होते थे, क्या कोई पद बनाए गए थे, ठीक है ना। हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं ना। तो यहाँ पे 3 अधिकारी नियुक्त किए गए थे, किसके लिए, राजस्व के क्षेत्र में। पहला जागीरदारियों के कर्मचारी और पत्नी, तो जागीरदार हुआ करते थे जिन्हें बाद में उन्हें खालसा नाम दिया गया, ठीक है ना, मुगल काल में। ओके दूसरा हो गया स्थायी स्थानीय पदाधिकारी, जो अधिकांश थे अनुवांशिक होते थे, यानी जमींदारों के हस्तांतरण से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो ऐसे पदाधिकारी जो अनुवांशिक होते थे, यानी पैतृक होते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते थे, एक ही परिवार एक ही फैमिली के लोग हुआ करते थे। और जमींदारों की जागीरदारों की सहायता करने, उन्हें नियंत्रित नियंत्रण में रखने के लिए केंद्रीय पदाधिकारी होते थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन यदि आता है भू राजस्व प्रशासन या भू राजस्व शासन, मुगल काल में भू राजस्व क्या समझते हैं, इससे कोई क्वेश्चन आता है तो ऊपर वाला लिखना है। लेकिन यहाँ पे अगर 2 शब्द यूज किया जाता है कि मुगलों का भू राजस्व प्रशासन कैसा था या मुगलों का भू राजस्व शासन कैसा था, तो फिर आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जमींदार जागीरदारों कर्मचारियों के प्रतिनिधि, ठीक है, और ये जो पदाधिकारी होते थे वो वनवासिक होते थे, और जागीरदारों की सहायता करने नियंत्रित करने में केंद्रीय पदाधिकारी भी हुआ करते थे। केंद्रीय पदाधिकारी की नियुक्ति जो जागीरदारों की सहायता किया करते थे, ठीक है, नियंत्रित करते थे। करोड़ी हम लोग ऊपर देख ही चुके हैं कि करोड़ी के पद का निर्माण 1574-75 में किया गया। उसके कर्तव्यों का वर्णन करते हुए अबुल फजल कहते हैं कि राजस्व के निर्धारण और वसूली दोनों का प्रभारी हुआ करता था, कौन, करोड़ी। और शाहजहां के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया, अब प्रत्येक महल यानी जो राजस्व क्षेत्र हुआ करते थे जहां से कर वसूल किया जाता है उसे राजस्व क्षेत्र कहते थे, ठीक है ना। अमीनों की नियुक्ति की गई, उन्हें कर का निर्धारण का कार्य सौंप दिया गया। तो यहाँ पे क्या किया गया कि अब अमीन नियुक्त कर दिए गए जो कर का निर्धारण करते थे, कहाँ पे कितना कर लगेगा। और इस परिवर्तन से अब करोड़ी का दायित्व, यानी आमिल जिन्हें, या तो करोड़ी या आमिल, उर्दू में आमिल, दायित्व तो आमीन द्वारा निर्धारित यानी करोड़ी द्वारा निर्धारित राजस्व को वसूल करने तक सीमित रह गया था। तो करोड़ी हो गया, ठीक है। प्रांत का दीवान करोड़ी को नियुक्त करता था और आशा की जाती थी क्योंकि किसानों के हितों का ख्याल रखेगा। करोड़ी और उनके कर्मचारियों द्वारा वसूल की गई वास्तविक राशि की जांच गांव के पटवारी के कागजों के सहायता से की जाती थी। तो ये करोड़ी यदि टिप्पणी के लिए भी आ सकता है, हो सकता है क्वेश्चन आए। दूसरा अमीन, ये टिप्पणी में लिखने के लिए आ सकते हैं, या फिर वही है मुगल कालीन भू राजस्व के प्रशासन के बारे में लिखिए, तो फिर आपको ये सब लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दूसरा क्या होता था, अमीन होता था। अमीन का मतलब दूसरा प्रमुख राजस्व पदाधिकारी होता था, ठीक है। जो अमीन का पद होता था वो शाहजहां के शासनकाल में बनाया गया था और उसका मुख्य कार्य क्या होता था, राजस्व निर्धारण करना, और उसकी भी नियुक्ति दीवान करता था। करोड़ी और फौजदार के साथ साथ वसूले गए राजस्व को सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी भी अमीन की होती थी। प्रांत का फौजदार अमीन और करोड़ी की गतिविधियों पर निगरानी रखता था, ठीक है। फिर कानूनगो, कानूनगो जो है
ये परगने का स्थानीय राजस्व पदाधिकारी होता था, ठीक है, वह लेखापाल होता था, लेखा जोखा करने वाले बर्बर जातियों में से नियुक्त किया जाता था। तो कानूनगो का मेन काम होता था लेखा जोखा करना, ठीक है, इसे लेखापाल कहते हैं। ये अनुवांशिक पद था, परंतु प्रत्येक नए व्यक्ति की नियुक्ति के लिए पृथक राजकीय आदेश आवश्यकता था। दूसरे नए व्यक्ति को भी इसमें नियुक्त किया जा सकता था, लेकिन राजकीय आदेश के साथ में जब प्रशासन बोले, शासन बोले तब, ठीक है। तो कानूनगो हो गया। कानूनगो को भ्रष्टाचार के लिए दोषी ठहराता है, क्योंकि उन्हें स्थानांतरित या पदच्युत होने का कोई भय नहीं होता था, अनुवांशिक होता था, तो उन्हें कोई हटा देगा, और लेखा जोखा का काम भी रहता, तो उनको ये डर नहीं होता था कि हमें कोई यहाँ से हटा देगा। लेकिन भ्रष्टाचार का कर्तव्य विमुखता का आरोप सिद्ध होने पर राजकीय आदेश से उन्हें हटाया जा सकता था। यदि भ्रष्टाचार या अपने कर्तव्य से उन्होंने मुंह मोड़ लिया, अपना कर्तव्य उन्होंने पूरा नहीं किया, यदि सिद्ध हो जाता है तो उन्हें पद से हटाया भी जा सकता था। तो राजस्व रसीद, भूमि के माप संबंधी आंकड़े, स्थानीय राजस्व दर, परगने की रीति रिवाजों से संबंधित कागजात को व्यवस्थित करने का काम कानूनगो का होता था। तो कानूनगो का काम क्या हो जाता, राजस्व रसीद, भूमि के माप संबंधी आंकड़े, स्थानीय राजस्व दौरे दरे और परगने के रीति रिवाजों से संबंध कागजात को रखना कानूनगो का मुख्य कार्य होता था, ठीक है ना। और आमतौर पर यह माना जाता था कि कानूनगो को अगर पिछले 100 वर्षों का राजस्व आंकड़ा प्रस्तुत करने को कहा जाए तो उसे करने में सक्षम होना चाहिए, इसीलिए वचनगत होता था, ठीक है, ओके। तो ये हो गया। अब चौधरी, चौधरी यह भी कानूनगो के एक समान महत्वपूर्ण राजस्व पद हुआ करता था। क्यों? अधिकांश मामलों में वह उस क्षेत्र का प्रमुख जमींदार होता था, और उसका काम केवल कर वसूली में सहायता करना होता था, और वह छोटे जमींदारों की जमानत भी दिया करता था। और चौधरी जो होता था वो ऋण का बंटवारा करता था, उसके भुगतान की जिम्मेदारी भी लेता था, और कानूनगो पर नियंत्रण रखने का कार्य भी करता था चौधरी। तो यहाँ पे हमने मुगलकालीन व्यवस्था में प्रशासन शासन में हमने कितनी चीजें देखी। पहला हमने तो हमने अधिकारी देखे कि 3 अधिकारी नियुक्त किए गए, फिर उसके अंतर्गत ग्रामीण स्तर पर एक राजस्व पदाधिकारी थे। ओके, सॉरी, एक चीज तो मैं आपको बताना यहाँ पे भूल गई, वो ये था कि जो पदाधिकारी नियुक्त किए गए वो तो शहरी व्यवस्था के आधार पर ये नियुक्त किए गए, लेकिन ग्रामीण स्तर पर अनेक राजस्व पदाधिकारी नियुक्त थे। तो यदि क्वेश्चन हो सकता है ऐसा पूछ ले कि मुगलकालीन शासन व्यवस्था, जो भू राजस्व व्यवस्था थी, प्रणाली थी, उसका प्रशासन गांव स्तर पर कैसा था, तो फिर आपको यही लिखना होगा करोड़ी, ठीक है, गांव स्तर की बात चल रही है, अमीन, कानूनगो और साथ ही साथ में चौधरी, ठीक है ना। सिकदार, ये कानून एवं व्यवस्था की देखरेख का काम करता था, और अकबर के शासनकाल के उत्तरार्ध में करौड़ी अधीनस्थ अधिकारी, करौड़ी के अंतर्गत उसके नीचे हुआ करता था, ठीक है। मुकद्दम और पटवारी, ये ग्रामीण स्तर के अधिकारी थे, और मुकद्दम गांव का मुखिया होता था, अपनी सेवा के बदले उसके द्वारा वसूले गए राजस्व में से 2.5% हिस्सा उसे प्राप्त होता था। पटवारी गांव की जमीन, प्रत्येक किसान द्वारा जोते जाने वाले खेत, फसल के प्रकारों और बंजर भूमि का हिसाब किताब रखता था, ठीक है, और बही खाते में किसानों के नाम लिखे हुए करते थे, तो काम पटवारी का हुआ करता था। तो प्रत्येक परगने में 2 अन्य अधिकारी होते थे, जिन्हें क्या, कोषपाल और लेखपाल कहा जाता था, और शेरशाह के शासनकाल में 2 लिपिक नियुक्त किए जाते थे, एक हिंदी लिपिक और दूसरा फारसी लिपिक होता था, और इसका प्रमुख कार्य आंकड़े तैयार करना होता था। और 1583-84 से लेखा के लिए केवल फारसी का उपयोग होने लगा था, ठीक है। तो ये है मुगलकालीन शासन व्यवस्था, सॉरी, भू राजस्व व्यवस्था किसके अंतर्गत में, शासन प्रशासन की, ठीक है, ओके। दिल्ली सुल्तानों की मुद्रा प्रणाली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर आपका, इससे 2-3 क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे, ये पढ़ाऊं या नहीं पढ़ाऊं। ओके, थोड़ा देख लेते हैं हल्के हल्के, ठीक है ना, राइट, ओके। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ ही मुद्रा व्यवस्था में बहुत वृद्धि हुई, और विशेष रूप से 14वीं शताब्दी पूर्वार्ध में, 14वीं शताब्दी के पहले। मुद्रा व्यवस्था का अर्थ सरल शब्दों में लेन देन या व्यापार के मुद्रा में अधिक प्रयोग से होता है, यानी ज्यादा व्यापार होना, और इसे मुद्रीकरण भी कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के उपरांत, यानी दिल्ली सल्तनत स्थापना के बाद, बड़ी मात्रा में सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों को जारी किया गया, और ये इसी भारतीय अर्थव्यवस्था के मुद्रीकरण की एक सहवर्ती प्रक्रिया है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि दिल्ली सुल्तानों की मुद्रा प्रणाली से संबंधित क्या है, मुद्रा प्रणाली कैसी थी बताइए, या फिर भारतीय दिल्ली सुल्तानों की भारत
भारतीय अर्थव्यवस्था के मुद्रीकरण से आप क्या समझते हैं? मुद्रीकरण, मुद्रा प्रणाली, दिल्ली सुल्तनत, मुगल, कुछ भी आए आपको आंसर यही लिखना है, ठीक है ना? सर दिल्ली सल्तनत, मुगल कालीन, ठीक है ना? तो आपको यही लिखना है। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना से पूर्व के काल में सिक्के विशेष रूप से शुद्ध चांदी के सिक्के हुआ सॉरी शुद्ध चांदी के सिक्कों की कमी रहती थी, यानी कि जब दिल्ली की स्थापना नहीं थी उसके पहले यहाँ पे शुद्ध चांदी के सिक्के नहीं बना करते थे, और गौरी विजेताओं ने टकसालों को अत्यंत कम मात्रा में चांदी युक्त तांबे के सिक्कों को जारी करते पाया। तो मुद्रित किए जाने वाले सिक्कों की संख्या को बढ़ाने के अतिरिक्त कोई परिवर्तन नहीं किए गए कि जो सिक्के बनाए जाते हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाए, उसमें चांदी की मात्रा और मिलाई जाए, ऐसा कुछ भी नहीं था। सिक्कों पर देवी लक्ष्मी या बैल और घुड़सवार इत्यादि की प्रतिकृतियों का अंकन जारी रहा, यानी सिक्कों पर किसको देखने को मिलते थे? चित्र लक्ष्मी, बैल और घुड़सवार के। तो इसके ऊपर एक अशुद्ध रूप से नए शासक का नागरी लिपि में उत्कीर्ण किया जाने लगा और इन सिक्कों को देहली वार कहा जाता था। तो अब इसके बाद क्या हुआ कि एक अशुद्ध रूप से एक नए रूप में नए शासक का नाम नागरी लिपि में उत्कीर्ण यानी खोदा जाने लगा, लिखा जाने लगा, और जो लिखा जाने लगा वो था सिक्कों को देहली वाल कहा जाता था, ठीक है? देहली वाल याद रखिएगा। तो इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत की मुद्रा के मानकीकरण का श्रेय दिया जाता है, ठीक है ना? और उन्होंने स्थापित मुद्रा प्रणाली अपने सारभूत रूप में दिल्ली सल्तनत के काल में जारी की थी। तो उन्होंने मुद्रा प्रणाली की स्थापना की थी और सोने चांदी के तनका और तांबे के जीतल सिक्के जारी किए थे, और जीतल की संगणना उत्तर भारत में एक तनका के 1/48 भाग में थी, ठीक है? तो सोने व चांदी के मध्य 1/10 का अनुपात हुआ करता था, और एक निश्चित अनुपात स्थापित कर दिया गया था कि सोने चांदी के सिक्के इसी उसमें बनेंगे अनुपात में, ठीक है? अच्छा, मुद्रा मुद्रा प्रणाली के अध्ययन ऐतिहासिक साक्ष्य तो नहीं मिलते हैं, लेकिन जो सिक्के उपलब्ध हैं उसके रूप में कुछ कहा जा सकता है, ठीक है ना? तो सल्तनत टकसालों द्वारा समान तौर पर तीन धातुओं के सिक्के जारी होते थे। तो उस समय जो सिक्के बनाए जाते थे, टकसाल मतलब जहां पे सिक्के बनाए जाते थे, वो तीन धातुओं के बनाए जाते थे, एक सोना, दूसरा चांदी और तीसरा बिलन। बिलन का मतलब चांदी की सूक्ष्म मात्रा युक्त तांबा, यानी कि सोना, चांदी और तांबा, और तांबा जो होता था उसमें थोड़ी सी चांदी मिली हुई होती थी, इसको बिलन बोलते हैं। तो मुख्य सिक्के तनका और जीतल होते थे, परंतु कुछ छोटी मुद्राएं भी प्रचलित थी, जैसे बरंगी, दांग और दिरम, ठीक है, जो राजधानी में ही प्रचलित हुआ करती थी। तो उत्तर भारत में निम्नलिखित मुद्राओं के मध्य समीकरण इस प्रकार था, मतलब किस तरह से क्या सिक्के बनाए जाएंगे। तो बस हमने थोड़ा सा देख लिया कि अगर सिक्के संबंधित, मुद्रा संबंधित क्वेश्चन आता है तो आप देख सकते हैं। अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल तक चांदी की मुद्राएं प्रमुख थी। गियासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में सोने और बिलन की तुलना में चांदी के सिक्कों की संख्या में गिरावट हुई थी। मोहम्मद तुगलक के अधीन सोने के सिक्के चांदी के सिक्कों पर छा गए, और फिरोज तुगलक के अधीन चांदी के सिक्के लगभग लुप्त हो गए थे। तो आप इतना बस याद कर लीजिए, और यदि मुगल कालीन आता है तो आप यहाँ पर बड़े आराम से लिख सकते हैं, ठीक है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, मुगलों की मुद्रा व्यवस्था हम नहीं देखेंगे, मुद्रा प्रणाली नहीं देखेंगे। आपको देखना होगा तो आप देख लेना, हम ऊपर हमने उत्ता पढ़ा दिया है तो आप उत्ता देख लीजिएगा, ठीक है ना? अभी तो हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही है, फर्स्ट यूनिट ही चल रही है, ठीक है? जो इम्पोर्टेंट होगा हम वो लेंगे इसमें। इसमें भू राजस्व प्रणाली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? उसे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सारांश आ गई, क्वेश्चन 100% वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये 100% आएगा। भू राजस्व व्यवस्था से कोई भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है। यूनिट जो है वो हमारा 11 अब आएगा, नेक्स्ट वीडियो में ग्रामीण समाज हम ले लेंगे, ठीक है ना? इसमें भी दिल्ली सल्तनतकालीन कृषि उत्पादन, ठीक है, और नेहरू द्वारा सिंचाई और उसका प्रभाव, ठीक है, ये हम सब चीजें देखेंगे। कृषि उत्पादन मुगल कालीन, अब यही तो है, दिल्ली सल्तनत मुगल कालीन बड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में भी जनरली मुगल ही लोग हुआ करते थे, लेकिन और लोगों ने भी दिल्ली सल्तनत पे शासन किया है, ठीक है ना? तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया है तो। आपका सब्सक्राइब करना मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे और फिर उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो मैं जो भी वीडियो डालूंगी ना उसकी उसका नोटिफिकेशन आपको ईजी से अवेलेबल हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है ना? तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं खंड 3 यानी ब्लॉक 3 में राज्य व्यवस्था और समाज। चलिए फिर, टेक केयर, बाय।